दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, हाल ही में ईपीएफओ ने जिन लोगों के पीएफ अकाउंट में उनके नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट नहीं थी उनकी पासबुक को देखना और पीएफ एडवांस विड्रोवल के कुछ ऑप्शंस डिसेबल कर दिए थे। पीएफ अकाउंट में ई नॉमिनेशन डिटेल्स को अपडेट करना मैंडेटरी कर दिया था, जिनकी वजह से पीएफ पासबुक को देखने और पीएफ विड्रोवल के कुछ पर्पज के ऑप्शंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। पर अभी ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं और ईपीएफओ ने सभी ईपीएफ मेंबर्स को अपने पीएफ अकाउंट में अपनी नॉमिनेशन डिटेल्स अपडेट करने की सलाह दी है। तो दोस्तों आपको आज ही अपने पीएफ अकाउंट में अपनी नॉमिनेशन डिटेल को अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि ईपीएफओ अगर दोबारा से ऐसी पाबंदियां लगाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपनी नॉमिनेशन डिटेल को आप ऑनलाइन कैसे अपडेट कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और हाल ही में ई नॉमिनेशन को अपडेट करने की प्रोसेस में ईपीएफओ ने दो बड़े चेंजेस किए हैं, उनके बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के लिए डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके वेबसाइट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन यहां पर दिखाई देगी, यहां आपको अपने लॉगिन डिटेल्स के साथ अपने ईपीएफ अकाउंट में लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है और साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके ईपीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद आपको जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है ई नॉमिनेशन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक एरर शो होगा, अनेबल टू प्रोसीड प्लीज अपलोड योर प्रोफाइल फोटोग्राफ, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ पहले अपलोड करनी होगी, उसके बाद ही आप अपने ई नॉमिनेशन को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स को अपलोड करने के लिए आपको जाना होगा प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं लगी होगी, उसके चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको चेंज फोटोग्राफ्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करके आपको फोटोग्राफ्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप अपना फोटो चेंज करेंगे आपका फोटो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है ई नॉमिनेशन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फैमिली डिक्लेरेशन के बारे में, यानी कि आपकी कोई फैमिली है या नहीं है, यहाँ पर आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपकी फैमिली मेंबर्स के बारे में डिटेल्स पूछी जाएंगी, यानी जिस फैमिली मेंबर को आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसका आधार नंबर फिलअप करना है, उसके बाद नाम फिलअप करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है वो मेल है या फीमेल है, उसके बाद रिलेशन सेलेक्ट करना है यहाँ पर वो वाइफ है, सन है या डॉटर है, जो भी उसका फैमिली मेंबर का आपके साथ रिलेशन है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस फिलअप करना है, कंप्लीट एड्रेस, जो भी आपके फैमिली मेंबर का कंप्लीट एड्रेस है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ईपीएफओ ने पीएफ नॉमिनेशन अपडेट प्रोसेस में जो पहला बदलाव किया है वो ये है कि यहाँ पर आपको पहले एड्रेस यहाँ पर पूरा टाइप करना होता था। अब यहाँ पर अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो ऊपर यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहले यहाँ पर बैंक डिटेल्स फिलअप करने का ऑप्शन आता था, पर वो अब ईपीएफओ ने यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ पर उनकी फोटोग्राफ्स को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंसेंट देना है कि अपनी फैमिली मेंबर की या नॉमिनी की जो आधार की डिटेल्स है वो आप ईपीएफओ के साथ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे सेव फैमिली मेंबर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको नॉमिनी का शेयर परसेंटेज भरनी है और नीचे सेव ईपीएफ नॉमिनी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, आपके ईपीएफ अकाउंट में आपकी नॉमिनी डिटेल सेव हो जाएगी, नीचे पेंडिंग नॉमिनेशन में आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको नॉमिनेशन को कंप्लीट करने के लिए ई साइन करना होगा, यानी कि अपने आधार कार्ड के जरिए आपको डिजिटली वेरीफाई करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको ई साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर मैसेज शो होगा, यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीन दिखा देगी, यहाँ पर फिर से आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पीएफ नॉमिनेशन की प्रोसेस में जो दूसरा अपडेट है वो यही है। यहाँ पर ई साइन की प्रोसेस में थोड़े चेंजेस किए गए हैं। पहले यहाँ पर आपको VID यानी आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी मांगी जाती थी, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। अब यहाँ पर आपको केवल अपना आधार नंबर एंटर करना है और नीचे गेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर योर आधार OTP में एंटर करना है और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके इनके डिस्क्लेमर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अगली स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा PDF साइंड सक्सेसफुली, यानी कि आपका PF नॉमिनेशन सक्सेसफुली डिजिटली साइन हो गया है। उसके बाद आपको अगेन मैनेज पर जाना है और क्लिक करना है ई नॉमिनेशन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे नॉमिनेशन हिस्ट्री में आपका नॉमिनेशन सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अगर आप अपनी नॉमिनी की डिटेल्स PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉमिनेशन डिटेल के नीचे PDF फाइल पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी नॉमिनेशन की डिटेल्स PDF में डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने PF अकाउंट में नॉमिनेशन ऑनलाइन बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।